Hey guys, welcome back to our channel. First of all, thank you so much for watching our videos and liking our channel. जो last हमने video post किया था समोसे बनाने वाला, समोसे तो बहुत tasty थे, but हमारे friends, family और काफी सारे viewers के comments आए थे कि what is your story? Tell us how did you ended up in Mexico? How you guys met? आपका love marriage है, arranged marriage है? तो आज के video में हम वही cover करने वाले हैं. So actually वो हमारे रिलेटिव जो YouTube पे कमेंट नहीं कर पा रहे थे उनके कमेंट्स बदल इन लोगों को WhatsApp पे आ रहे थे कि चारू अंकित को देखा वीडियो में समोसे बनाते हुए, बड़ा अच्छा लगा, दोनों का आशीर्वाद है मेरा. तो हमें बड़ा अच्छा लगा था कि फैमिली भी रिस्पॉन्स कर रही है और आप लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मोटिवेशन मिलता है. नए नए यूट्यूबर है, नए चैनल ओपन किया है, लाइक हो जाते हैं, व्यूज हो जाते हैं, कमेंट्स आते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है और हम दोनों को ऐसा लगता है कि लोग हमसे रिलेट कर पा रहे हैं, हमें देखना पसंद कर रहे, हमारी स्टोरी सुनना पसंद कर रहे. सो आज हम लोग उसी बारे में थोड़ा सा कैजुअल कन्वर्सेशन करने वाले हैं. एंड वी आर इन अ पार्क बिफोर वी गो आउट ऑन अ डिनर बिकॉज इट्स फ्राइडे. सो वी थॉट कि आज आप लोगों से बात करके जाते हैं. और फाइनली हम अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाते हैं क्योंकि हमने वीडियो वीडियो बनाना चालू कर दिया था और हम भूल गए थे कि अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है. हम फर्स्ट ब्लॉग तो बनाना ही भूल गए थे यार. ऑलमोस्ट 40 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एंड देन फर्स्ट ब्लॉग ही नहीं आया है. राइट, एग्जैक्टली. सो वी थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, नाउ वी हैव द राइट सेट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, सो क्यों ना थोड़ा सा अपना स्टोरी शेयर किया जाए. तो तुम स्टार्ट करो कि तुम मेक्सिको क्यों आए थे और कैसे आए थे. अब तुम बोलो. Okay. बोल चुका है. तो यार 2014 में that was the first time I got an opportunity to come to Mexico on a business trip. काफी सारे लोगों का सपना होता है जो आईटी में जॉब करते हैं कि यार यू नो 4-5 साल हो गए, एक बिजनेस ट्रिप तो लगनी चाहिए मेरी, या रिलोकेशन हो जाए, US चले जाए, कनाडा चले जाए. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज माई ऑर्गेनाइजेशन हैड अ सेटअप इन ग्वालालहारा. सो दे सेड के हम लोग वहाँ पे बंदों को भेजते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं. बाई दैट टाइम ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे थी नहीं ग्वालालहारा में. सो आई केम हियर इन 2014 जनवरी, देन इन डिसम्बर. एंड व्हेन आई केम इन डिसम्बर आई गॉट टू नो दैट यहाँ पे आईटी कंपनीज ग्रो कर रही है एंड आई अप्लाइड फॉर एन अपॉर्चुनिटी एज वेल. थोड़ा हाथ पैर मारे कि कुछ होता है या नहीं होता है, बट अपेरेंटली कुछ नहीं हुआ. आई वेंट बैक टू इंडिया. But I got to know at that time that it will be a good opportunity to keep applying for jobs if I want to come here. अगर US नहीं मिल रहा है, Canada नहीं मिल रहा है, कहीं और नहीं मिल रहा है, तो यहीं आ जाओ यार, क्या गलत है. If you are open to learn a new language, new culture, right? So I don't think there is a problem. And at the same time थोड़े से financial burdens भी थे. Loan था, student loan. I took a loan to study and then I had to repay. फिर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ऑफकोर्स द फैमिली इज नॉट हैप्पी अबाउट यू नो मी मूविंग टू मेक्सिको और टॉकिंग अबाउट इट. 2015 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क हियर. मैं यहाँ पे आ गया. इनिशियली तो मम्मी को 2 साल ही बोला था, शी वॉजेंट हैप्पी एट ऑल. बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला आई रियली इंजॉयड दिस कंट्री अलॉट. एंड देखते देखते यार 4 साल निकल गए. और 4 साल के बाद आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको नाउ. एंड बैक इन 2019 जब पीआर मिला, माय मॉम वाज रियली हैप्पी एंड लाइक भैया तेरा हो गया ना, पीआर हो गया, अब तू रिटर्न आ जाएगा. एंड एट द सेम टाइम वो शादी का प्रेशर बिल्ड होने लग गया था, यू नो प्रोफाइल्स आने लग गई थी एंड ऑल दैट. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हूँ, कोई भी बंदा है मेरे जैसा, कमेंट ज़रूर करना यार आपके साथ भी अगर यही हो रहा है या होता है. तो कोई भी बंदा है जो अब्रॉड है और यू नो यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन इंडिया, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, तो मम्मी बहुत प्रेशर डालती है, फैमिली वाले लोग बहुत प्रेशर डालते हैं, प्रोफाइल्स आती रहती हैं. ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस यू आर नॉट एबल टू टॉक टू देम, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू देम. इट्स नॉट ईजी. बट अपेरेंटली व्हेन माई मॉम सेड के आर इनफ, कम आ जाओ वापस, थोड़ा सा यू नो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बीइंग द ओनली चाइल्ड. सो आई वेंट बैक टू इंडिया इन 2019 एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. आई गॉट हर प्रोफाइल एंड यू नो मैं बताती हूँ. सो
तो अंकित और मैं दोनों इंदौर से बिलोंग करते हैं। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सारे कम्युनिटी के लोग एडिट होते हैं, जो स्पेशली इसमें प्रोफाइल्स एक्सचेंज होती है कि यार मतलब जो ऑफिशियली मैट्रिमोनी साइट्स होती है वो तो ठीक है, पर एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है जिसमें प्रोफाइल एक्सचेंज होती है कि मैं अपनी बेटी के लिए देख रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए देख रही हूँ। तो हम दोनों की प्रोफाइल उस ग्रुप में एक्सचेंज हुई थी। मेरी मम्मी को अंकित की प्रोफाइल जब देखने को मिली तो उनको लगा कि यार इंदौर से एक फैमिली है, तो मतलब मम्मी का प्लान यही था कि इंदौर में रहें तो बेटी घर में मतलब आना जाना रहेगा, हमारी आंखों के सामने देखी, नोन पीपल हैं और कैसे पीपल हैं हमें पता चल जाएगा, फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाएगा अगर इंदौर के हैं लोग, तो अननोन और अनजान लोगों में हम अपनी बेटी को नहीं दे रहे, ये उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो जैसे अंकित की प्रोफाइल एक्सचेंज हुई तो मम्मी ने एड्रेस चेक किया कि इंदौर के लोग हैं, तो मेरी मम्मी ने अंकित की मम्मी को कॉल किया कि हमने प्रोफाइल देखी है ऐसा करके, हमको अच्छा लगा है प्रोफाइल तो हम आगे बात करना चाह रहे हैं। तो फिर अंकित की मम्मी को फोटो और प्रोफाइल शेयर किया, मेरे पास अंकित का प्रोफाइल और फोटो और नंबर आए, तो नंबर एक्सचेंज हुए। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, अंकित तब उस टाइम पुणे में थे, इंडिया आ चुके थे, पुणे में थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है बात करना चालू करते हैं, अगर बात करने में कंफर्टेबल होता है, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग लगती क्या हॉबीज मैच हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बातें समझ में आ रही हैं, तो हम बात करना चालू करते हैं प्लीज। और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बिकॉज आई बिलीव दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यू एंजॉय अ लॉट, यू डोंट नो हुम यू आर टॉकिंग टू, आप पर्सन को जानना चाहते हो, यू नो फैमिली प्रेशर होता है, आपको बात करना होता है, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेज। तो कमेंट जरूर करना आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ यही थिंग्स है। तो आई थिंक हमारा चैनल पेरेंट्स भी देखते हैं और हमारी एज वाले लोग भी देखते हैं, हमसे छोटे भी देखते हैं, सो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा यार कि यू नो कौन कौन है जो हमारी स्टोरी से रिलेट करता है, और कौन ऐसा है जिनकी शादी कोरोना के टाइम पे हुई है, तो जो फनी इंसिडेंट्स होते हैं वो हुए हैं हमारे साथ भी हुए हैं। राइट, एंड इट वॉज अ ग्रेट जर्नी ओवरऑल, बिकॉज कोरोना ने एक काम ज़रूर किया, एटलीस्ट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हर, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, शायद एक महीने के अंदर मम्मी बोलती कि चलो हम लोग विजिट करते हैं, बिकॉज आई वॉज इन पुणे, शी वॉज इन इंदौर। जनवरी में प्रोफाइल एक्सचेंज हुई थी अंकित और मेरी, हमने फोन पर बात करना स्टार्ट किया, एक दूसरे को समझना चालू किया, और कोरोना की वजह से हमारा जो मिलना पॉसिबल हो पाया वो अक्टूबर में हो पाया, तो फाइनली हमको इतने टाइम मिल गया था फोन पर बात करके डिसाइड करने का कि हाँ प्रोफाइल मैच हो रही है या नहीं, मतलब हमारे थॉट्स मैच करते हैं कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैच करती है नहीं। तो अक्टूबर में डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है मम्मी, फिर इंदौर आना हुआ इनका, फिर पुणे से इंदौर आए, हमने डिसाइड किया कि ठीक है यार इट्स अ यस फॉर आवर साइड, मतलब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि फैमिली का प्रेशर मुझ पर भी बढ़ते जा रहा था क्या, कि फाइनली नवंबर 2020 में हमारी शादी हुई थी, राइट अंकित? आई थिंक व्हेन यू आर अबाउट टू बी 30 उस टाइम पे इतना प्रेशर आपके पास बनता जाता है कि यू ऑलरेडी फील लाइक यू आर इन योर 40s प्रेशर कुकर एंड यू आर लूजिंग समथिंग, ट्रेन निकल जाएगी, यू नो गार्डन में फूल कम हो जाएंगे, मुझे तो ऐसे भी कमेंट मिलते थे क्या आपको मिलेगा नहीं कुछ भी, यू नो आप रह जाओगे एंड ऑल दैट, कमी क्या है आप में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द पॉइंट इज आई थिंक आफ्टर आई गॉट मैरिड आई अंडरस्टूड कि पेरेंट्स भी सही बोल रहे हैं, बिकॉज एक एज तो होती है, पक्की बात है। तो November 2020 में we ended up getting married. भरे कोरोना में जिसमें हम सिर्फ 50 members को ही allowed था शादी में बुलाना, तो हम 50 guests ही बुला पाए थे, मैंने एक छोटे से गार्डन में शादी करनी पड़ी थी। It was more of a 9-to-6 kind of wedding, you know, 9 बजे लोग आएंगे, 6 बजे बाय बाय खाली करना है, बस ऐसा। That's how it is. तो अंकित की family के ऐसे बहुत सारे मतलब relatives हैं, अंकित के cousins हैं जिनसे मैं आज तक नहीं मिल पाई थी, मतलब जो शादी में भी नहीं आए और जिनसे आज तक मैं मिल नहीं पाई हूँ, सिर्फ मम्मी से सुना है कि बेटा हमारे ये अंकल भी है, ये आंटी भी है, सेम विद अंकित की मेरी फैमिली से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी में नहीं आ पाए, तो शादी के बाद भी अंकित से नहीं मिल पाए, तो वो लोग भी हमारा चैनल जब देखते तो हमें बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत हमें व्यूज आते हैं, लाइक आते हैं, चलो चालू अंकित को देखा बड़ा अच्छा लगा। और ये चैनल के माध्यम से हम लोग उन्हीं सभी लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ पे हैं मेक्सिको में, और why I came to Mexico because we wanted to be on the same page. चारू हमेशा इंदौर में रही है, इंदौर में ही जॉब किया है, राइट, एंड शी ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि यार एक बार तो मैं अब्रॉड रहूँ या फिर एटलीस्ट ट्रैवल करूँ, तो मैं सोचा कि why not have a life where you don't need a vacation from, you know. तो when I got this opportunity to move back, PR तो था ही,
यू नो. तो जब मुझे वापस से अपॉर्चुनिटी मिला, आई कीप लुकिंग और अप्लाइंग फॉर जॉब्स हियर. जब मुझे लगा कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, मे बी अब कोरोना नहीं है एंड देन वी कैन मूव बैक, सो आई मूव बैक. और हमें नहीं पता क्लियरली हम कितने टाइम रहने वाले हैं, और दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस चैनल, कि हम अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारा लाइफ एक्सपीरियंस मेक्सिको में कैसा था, मुझे क्या क्या नया देखने को मिला. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री में आप मूव करेंगे, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है. और ऑफकोर्स आप उसको इंडिया से भी कंपेयर करते हैं, इंडिया में तो ऐसा था, यहाँ ऐसा है. अरे इंडिया में तो मतलब ऐसी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ऐसे वेजिटेबल्स मिलते हैं, कुछ चीज़ कॉमन नहीं होगी. स्ट्रगल, वो चैलेंज, वो अलग ही टाइप का मज़ा होता है. तो वो मैं चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ. और मुझे लगता है आई थिंक देयर वुड बी अ कम्युनिकेशन गैप ऑलवेज. अगर एक बंदा अब्रॉड रह चुका है एंड देन ही इज गेटिंग मैरिड टू समबडी फ्रॉम अ टीयर टू सिटी और टीयर वन सिटी, जिसको खुद को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला अब्रॉड रहने का या फिर ट्रैवल करने का, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा डिफरेंस आता है कम्युनिकेशन में, माइंडसेट में. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू फिल इन, यू नो, आई वांटेड अस टू बी ऑन द सेम पेज. ये हमें एक इम्प्रेशन रहता है कि यार अगर बंदा अब्रॉड में है एंड पेरेंट्स के बीच एटलीस्ट, तो क्या वो बंदा सही है गलत है. कभी कभी हमने देखा नहीं उसका जॉब रियल है, या उसकी इंफॉर्मेशन जो शेयर हुई है वो रियल है या नहीं है. सो विद दिस वीडियो वी वांट टू से दिस कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, केस टू केस पे डिपेंड करता है. एंड देन यू ऑलवेज हैव द स्पेस टू गिव इट अ ट्राई. और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी स्टोरी मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था. कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के. बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये लोग हमसे रिलेट कर पा रहे, हमारी स्टोरी को पसंद कर रहे, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे. तो ऑफकोर्स बहुत मोटिवेशन मिलता है. राइट, एग्जैक्टली. सो नाउ यू नो आवर स्टोरी. एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि नाउ दैट वी आर हियर, वी आर अवेलेबल टू गिव यू द गाइडेंस एंड हेल्प With regards to Mexico visa, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, या कोई और टाइप के वीज़ा पे आप यहाँ पे आना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, तो आप कैसे अप्लाई करते हैं, वो पूरा गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं. एट द सेम टाइम हाउ यू कैन एक्चुअली बुक स्लॉट्स फॉर द अपॉइंटमेंट, मेक्सिको वीज़ा अपॉइंटमेंट, उसका भी गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. वट इज़ द बेस्ट वे, वट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड. शाहरुख कैन गिव यू द गाइडेंस बिकॉज उसने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है डिपेंडेंट वीज़ा पे, अकेले ट्रैवल किया है. तो शी कैन गिव यू द गाइडेंस टू ऑल द वुमेन, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गाइज हु आर काइंड ऑफ अफ्रेड कि यार मैं कैसे करूँगा. यू कैन वॉच आवर वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, सो यू कैन गेट द गाइडेंस. और जो लोग ट्रैवल करने से पहले जिनके माइंड में कंफ्यूजन होता है कि क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या स्ट्रगल रहेगा, लैंग्वेज, फूड, वेदर, जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी कि यहाँ आप कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं दूसरी कंट्री में आकर. Travel करना is not a big deal. All you need to know is the right set of things that you have to take care during your journey. और अगर आपको गाइडेंस मिल जाएगा पहले से, तो यू कैन ब्रेस योर सेल्फ एंड यू कैन बी रेडी फॉर इट. सो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है. ये कमेंट शायद चारू इंदौर में होती तो नहीं करती, लेकिन द मोमेंट शी मूव टू मेक्सिको, मैं गई हुई थी यार बहुत उस टाइम पर. द मोमेंट शी मूव टू मेक्सिको शी गॉट टू नो कि नहीं यार, जब आप अब्रॉड होते हो तो यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. रीजन बीइंग आप अपनी क्वालिटीज को जानते हो, यू आर अ फॉरेनर हियर, पीपल वांट टू नो योर कल्चर, नो यू, नो यू, नो योर स्टोरीज. ओह, टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया. आपको आपका कैलिबर पता लगता है, आपकी क्वालिटीज पता रखती है जो शायद हिडन होगी. शायद इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं उसी चीज का, बट दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ इन मेक्सिको और एनी अदर कंट्री यू गो, यू नेम इट. और उसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज है, कल्चर है, फूड है. चारू इज वेरी गुड इन कुकिंग नाउडेज, राइट. इंडिया में नहीं आती थी, आई थिंक समोसे वाले वीडियो में आपको पता लग गया होगा. शी मेंशन्ड ऑल दोस डिटेल्स. इंडिया में मुझे प्रॉब्लम आती थी ना, तो अंकित की मम्मी मतलब मेरी सासू माँ होती थी, मम्मी आइए नहीं आना प्लीज कर दो ना, मम्मी पूरी बेलते नहीं आती है, आप प्लीज हेल्प कर दोगे क्या, तो मम्मी कवर कर लेती थी मुझे. मतलब यहाँ पे तो आपको ही करना है जो भी है, तो करना ही पड़ेगा ना. अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ट्रैवल को लेके, वीजा को लेके, कुछ हेजिटेशन है आपके दिमाग में, या आपको वीजा स्लॉट बुक करने में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि इतने इजीली स्लॉट बुक नहीं हो पाते हैं, नो ऑफिस फॉर्म बताता है, तो कितने भी स्ट्रगल किया था, कितने अपना जो स्लॉट बुकिंग है वो कैसा किया,
मैं यही बोलना चाहूंगा घूम फिर के मेक्सिको वीजा से रिलेटेड, मेक्सिको आने से रिलेटेड, इवन मेक्सिको कैसा है ओवरऑल, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू गिव यू द पर्सनल अटेंशन दैट यू नीड. एग्जैक्टली, और ये चैनल हमने इसीलिए ओपन किया कि अगर आप हमारी स्टोरी से कुछ रिलेट कर पाते हैं या हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाते हैं, जो गलतियां मुझसे हुई यहाँ पे आने के बाद, जो मुझे नहीं करना चाहिए थी, मुझे ध्यान में रखना चाहिए था, वो अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ और आप उसको सही करता हूँ, आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हमने चैनल ओपन किया है. And the idea behind this video or our introduction is getting value, some value out of it. So, आप ये वीडियो को पूरा देखें अंत तक and then you get to know कि हाँ यार, okay, now I got to know किस तरीके के क्वेश्चन पूछना और किन लोगों को अप्रोच करना है basically, right? तो ग्वालाहारा जहाँ हम रहते हैं is a very growing city. बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ओपन हो चुकी, बहुत सारे लोग रिलोकेट हो रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत से लोग एक पर्सनल अटेंशन चाहते होंगे, समबडी हुज लिविंग देयर, राइट? सो वी आर द राइट सेट ऑफ पीपल. क्योंकि बहुत सारे डीएम अंकित को आते हैं कि यार वहाँ पे कोई ग्रोसरी स्टोर है तो आप प्लीज हमें बताइएगा, वहाँ पे कोई लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है या नहीं, वहाँ पे मतलब इंडियंस को कैसे हेल्प मिल सकती है, इंडिया से बैठे बैठे हम लोग प्रॉपर्टी कैसे रेंट कर सकते हैं वहाँ पे, या स्टे के ऑप्शन क्या, शेयर अकोमोडेशन क्या, तो ये सारा गाइडेंस हम लोग आपको दे सकते हैं. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हाउस कैसे रेंट होता है यहाँ पे, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, द हाउसेस आर रियली ब्यूटीफुल एंड आई लव इट. ओके, तो हम इंडिया जाके जब भी अपना घर बनाएंगे तो मैं तो ये कॉन्सेप्ट जरूर कॉपी करने वाला हूँ, राइट? और आप लोगों को अगर यहाँ के घर देखने में इंटरेस्ट है और देखना है लाइक एलिवेशन कैसा है, क्या मटेरियल यूज होता है, फ्रंट कैसा होता है, बैकयार्ड कैसा रहता है, तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको एक बढ़िया वाला हाउस टूर देने वाला हूँ. तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे. आई होप यू गाइज आर एबल टू कनेक्ट विद अस. So, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो कीप लाइकिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम आपके पास नए से नए वीडियो कंटिन्यूअसली लेके आते रहेंगे. एब्सोल्युटली, एंड द आइडिया इज नॉट जस्ट टू मेक यू विजिट और रिव्यू द रेस्टोरेंट्स और कैफे, हम हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि यार ऑलमोस्ट 10 या 12 साल से घर से दूर रह रहा हूँ, आई थिंक काफी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो फील फ्री टू कमेंट एट द एंड ऑफ द डे, वी आर रिपीटिंग दिस, बट बिंदास ऐसा सोचना कि हम आपके अपने ही लोग हैं और आप बिंदास पूछ सकते हैं. राइट, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.